नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे के बीच 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया, लेकिन खास बात यह रही कि दिल्ली पुलिस ने बाद में इस ट्रैक्टर को ही जब्त कर लिया। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद के निकट तक ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। संसद मार्ग थाने में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मोटर एक्ट, आईपीसी की धारा और महामारी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचे, इस बात की जांच भी दिल्ली पुलिस कर रही है। दरअसल एनडीटीवी की खबर के मुताबिक पुलिस के सूत्रों ने कहा है, अब तक की जांच में पता चला है कि 25 जुलाई की देर रात तक कंटेनर में छुपाकर ट्रैक्टर को लुटियन जोन इलाके में लाया गया था। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक इस ट्रैक्टर को लाने में एक सांसद की चिट्ठी का इस्तेमाल भी किया गया है। इस बात की जांच के लिए एक अलग टीम का गठन किया गया है। टीम जिले में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस बात की जांच करेगी। टीम ट्रैक्टर को लाए गए रूट का भी पता करेगी। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के कारण कई इलाकों में धारा 144 लागू रहती है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई बीजेपी नेताओं ने ट्रैक्टर रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। ऐसे में राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह ट्रैक्टर के साथ कैसे संसद भवन पहुंचे, इस बात की बाकायदा जांच शुरू की गई तो और पता चला है कि 25 जुलाई की रात एक कंटेनर में रखकर ट्रैक्टर को लुटियन जोन इलाके में लाया गया था, ताकि कृषि कानून के विरोध में उसे चलाकर संसद तक पहुंचा जा सके। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इस ट्रैक्टर के आगे और पीछे कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। वहीं अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रदर्शन की इजाज़त नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल ये ट्रैक्टर केस प्रॉपर्टी है। इस ट्रैक्टर के आगे और पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं होने के कारण इसके मालिक का भी कोई पता अभी तक नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली इलाके में ट्रैक्टर चलाने और लाने पर पहले से ही पाबंदी है। ऐसे में ये मोटर एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।